and in that we'll talk about the parts of the eye and the major defects which happen in the vision like myopia, hypermetropia and presbyopia. Next we'll talk about the refraction of light through a prism. आपको प्रिज्म शायद पता होगा या नहीं पता होगा बट हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके थ्रू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो क्या द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो रेनबो सबने देखा तो होगा बट आपको शायद नहीं पता होगा कि बनता कैसे है तो हम उस बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन एटमोस्फेयर हैज़ मेनी लेज भी टॉक्ड अबाउट इन लास्ट चैप्टर तो वो भी रिफ्रैक्ट करता है तो हम उस बारे में भी बात करेंगे एंड इन दैट विल टॉक अबाउट अनादर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द एडवांस सनराइज एंड द डीलेट सनसेट एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच हैपन्स टू टाइनी पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर यू मस्ट है टेंडल इफेक्ट विच यू स्टडीड अबाउट इन द नाइन्थ ग्रेट केमिस्ट्री एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वाई इज द स्काई ब्लू स्काई का कलर ब्लू ही क्यों होता है व्हाइट क्यों नहीं होता पर्पल क्यों नहीं होता रेनबो जैसा कलर क्यों नहीं होता तो उस बारे में भी हम बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे द कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज मोस्ट आई एव नोटिस्ट कि सन का जो कलर हमें बाकी दिन में दिखता है और सनसेट और सनराइज के टाइम में जो दिखता है उसमें डिफरेंस होता है अब वैसा क्यों होता है हम उस बारे में भी बात करेंगे नाव लेट स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ लेट स्टार्ट विद द यूमन आई हमारी आंखें अब हमने बात करी है कि कैसे ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं और उसकी इमेज बनती है बेसिकली ऑब्जेक्ट को हमने देखा उसकी एक इमेज हमारे ब्रेन ने प्रोसेस करी और सामने जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसको एज इट इज़ देख पाते हैं अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है सुनने में तो बहुत आसान लगता है और होता भी बहुत जल्दी है इनफैक्ट ये पूरा प्रोसेस वन ऑफ अ सिक्सटीनथ सेकेंड में हमारा ब्रेन कर देता है बट इसके अंदर बहुत ही नाइन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स यूज होते हैं आई के अंदर जो इस टास्क को परफॉर्म करते हैं ना लेट्स स्टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग विच इज द कॉर्निया नाव कॉर्निया क्या होता है कि हमारे जो ये आँख है ये मैंने एक आईबॉल यहाँ पर दिखाई है इसके अंदर ये जो फ्रंट वाला पार्ट है दिस थि वाइट थिंग यू आर सीइंग इज अ थि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड कॉर्निया नाव कॉर्निया में मेजर जितने भी रिफ्रैक्शन होते हैं वो यहीं पर हो जाते हैं बिकॉज जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें होती है वो रिफ्रैक्शन करती है नाउ बिकॉज दिस कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट ऑल द मेजर रिफ्रैक्शन हैपन एट दम एंड द नेक्स्ट थिंग हमारी जो कॉर्निया यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आपको एक पतला सा बल्ज दिखाई दे रहा होगा नाउ दिस इज ऑल्सो ड्यू टू कॉर्निया बिकॉज कॉर्निया के यहाँ पे ऐसे आगे बना हुआ है एंड द नेक्स्ट फैक्ट अबाउट द आई बॉल इज दैट द आई बॉल इज ऑफ द डायमीटर ऑफ अबाउट टू पॉइंट थ्री सेंटीमीटर्स बहुत छोटा सा होता है बेसिकली ये पूरा ये टू पॉइंट थ्री सेंटीमीटर्स का डायमीटर रखता है एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ नियरली स्फेरिकल थोड़ा सा बल्ज होता है बट यू कैन सी दैट इट इज़ नियरली स्फेरिकल

नाउ प्यूपल इज द थिंग विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच गोज इन टू आर आइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्यूपिल की वजह से या तो हम ज़्यादा लाइट प्रसिव करेंगे या कम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि प्यूपिल की वजह से हमारी आइज डैमेज होने से बचती है फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग एट द सन और आपके प्यूपिल ने बहुत ज़्यादा लाइट अंदर आने दी सो ये रेटिना एंड द होल आई कैन बिकम डैमेज सो इट इज द टास्क परफॉर्म बाय द प्यूपल की ऐसी कंडीशन में बहुत कम लाइट आने देनी है एंड द नेक्स्ट थिंग आप अगर एक अंधेरे कमरे में हो तो आपका प्यूपल बहुत ज़्यादा लाइट आने देगा क्यों ताकि आप चीज़ें अंधेरे में देख पाओ सो दिस टास्क इज़ परफॉर्म बाय द प्यूपिल अब प्यूपिल को खुद को एक चीज़ रेगुलेट करती है कि प्यूपल बड़ा छोटा तो हो रहा है पर वो खुद नहीं होता है उसको एक चीज़ करती है एंड देट इज़ द आयरिस द आयरिस इज अ डार्क मस्क्यूलर डाय फ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल नाउ ओवर है दिस इज द आयरिस द ब्राउन थिंग विच यू कैन सी है इज द आयरिस इट इज़ अ वेरी थिन डायर फ्रॉम विच कंट्रोल द प्यूपिल वो अगर एक्सपांड होगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा अगर वो अंदर जाएगा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा नाउ लेट मी शो यू द एक्चुअल इमेज ऑफ आयरिस एंड प्यूपिल अब यह आँख है आँख की एक इमेज मैंने आपको दिखाई है आँख अपनी खुद की एक मिरर के आगे खड़े होकर आपने जर्नरली देखी ही होगी आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक डॉट दिखेगा ब्लैक कलर का और उसके बाहर ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें जनरली कलर होते हैं अलग अलग वो वाला आपको पार्ट दिखेगा नाउ दिस इज़ द प्यूपिल द थिंग विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंड दिस इज द आयरिस नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग में मस्ट नो दैट आयरिस हमारा अलग अलग कलर का होता है किसी का ब्लैक होता है ब्राउन होता है ब्लू होता है ग्रीन होता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों होता है नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ मेलेनिन Now melanin is a chemical which is present in the skin as well and in the eye as well. And this chemical defines the color of that thing. Melanin अगर ज़्यादा हुआ तो darker color आता है Melanin कम हुआ तो lighter color आता है तो इसी के mixture की वजह से eye का color change हो जाता है तो किसी का green होगा किसी का blue होगा हो सकता है आपका black हो या brown हो So this variation occurs due to melanin. Now let's move on to the next part of the eye. Next up we have the क्रिस्टलाइन लेंस लेंस के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी क्या होती है ऐसा एक ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है इंसिडेंट रे आती है और रिफ्रैक्शन एक अलग एंगल पे होता है बस वो सेम थिंग हमारी आंखों में भी होती है अब वो क्यों होती है बिकॉज अब कोई ऑब्जेक्ट हुआ वो कभी दूर होगा कभी पास होगा तो आई को एक्यूरेटली उसकी पोजिशन में आने के मतलब देखने के लिए इमेज बनाने के लिए लेंस की जरूरत तो होगी ही सो दिस थिंग इज डन बाई द क्रिस्टलाइन लेंस लेंस एग्जैक्टली क्या करता है दिस इज द क्रिस्टेलाइन लेंस अब लेंस एग्जैक्टली exactly क्या करेगा जब कोई ऑब्जेक्ट दूर हो तो उसकी फोकल लेंथ वो बढ़ा देगा बेसिकली इसका शेप चेंज कर देगा ताकि फोकल लेंथ बढ़े और हमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखे अब मान लो कोई पास का ऑब्जेक्ट है तो क्या करेगा ये लेंस थोड़ा सा छोटा कर देगा ताकि हमें पास की चीज़ें क्लियरली दिखे सो द क्रिस्टेलाइन लेंस

अब वो खुद वापस नहीं करेगा कौन करेगा सिलेरी मसल्स वो क्या होती है इट इज ए रिंग ऑफ स्मूथ मसल वाई द हेल्प ऑफ विच द लेंस चेंजेस शेप दिस इज द दिलियरी मसल्स अब ये अगर लेंस को बड़ा करना है तो वो एक्सपांड हो जाएगी लेंस को छोटा करना है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी सो बिकॉज ऑफ दिज सिली मसल्स द शेप ऑफ द लेंस चेंजेस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द विट्रियस ह्यूमर हमने एक ह्यूमर की बात करी वो कौन सा था एक्वेस ह्यूमर अब हम बात करेंगे विट्रियस ह्यूमर का हमारा एक्वियस ह्यूमर इधर था नाउ दिस थिंग इज फिल्ड विथ विट्रियस ह्यूमर विट्रियस ह्यूमर क्या होता है बहुत सिंपल चीज़ होती है इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट फ्लू और जेल दैट इज फिल्ड बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना अब ये फील्ड यहाँ पे होता है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है नाउ द विट्रियस ह्यूमर हैज टू इंपॉर्टेंट पर्पसेस वन इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर नाउ सी दिस थिंग इज फील्ड विट्रियस ह्यूमर और हमारा आई का शेप क्या होता है स्फेरिकल अब ये स्फेरिकल शेप मेंटेन करना जरूरी है वो क्यों है ताकि आई बराबर फंक्शन कर सके तो दिस थिंग इज डन बाय द विट्रियस ह्यूमर कंप्लीटली फील्ड होगा और अगर कोई शॉक लगा बेसिकली आई प्रेस हुई किसी भी रीजन की वजह से तो विट्रियस ह्यूमर वो शेप मेंटेन करता है एंड द सेकेंड थिंग इज इट डज इज़ इट हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट्स अब ये क्या करते हैं इसके अंदर आई में हमारे विट्रियस ट्यूमर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी आई की एज है बेसिकली वो टाइम जिसमें हमारी आई प्रॉपर्ली फंक्शन होती है उस टाइम को ये एक्सटेंड कर देता है सो विट्रियस ट्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी आई नेक्स्ट अप वी हैव इज द रेटिना नाउ रेटिना इज वेरी इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंट्रीगल पार्ट ऑफ द आई बट इट इज़ वेरी सिंपल एट द सेम टाइम रेटिना क्या होता है एक नॉर्मल स्क्रीन हमने पढ़ा था कि कोई भी लेंस की इमेज बनाने के लिए अगर वो रियल इमेज है तो हमें एक स्क्रीन तो चाहिए बस रेटिना आई के हमारे उस स्क्रीन का काम करता है दिस इज द रेटिना रेटिना इज़ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आई अब क्या होगा यहाँ से लाइट आई यहाँ पे जो भी प्रोसेस हुई जो मैंने आपको भी बताई वो होगी और लाइट यहाँ पे आएगी और इस रेटिना पे फॉल करेगी इतना प्रा टास्क तो हो गया कि लाइट आ गई चलो इमेज आ गई बट अब इमेज हमारी ब्रेन तक कैसे पहुंचेगी हमें दिखेगी कैसे वो टास्क होता है रेटिना का जब रेटिना पे लाइट गिरती है तो क्या होता है रेटिना के ऊपर बहुत सारे एनोमस लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जब उन पर लाइट पड़ेगी तो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जब वो एक्टिवेट होते हैं तो जो हमारे लाइट सिग्नल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में भेज देती है अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से क्यों जाते हैं बिकॉज द ब्रेन कैन ओनली प्रोसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइट सिग्नल्स या कोई भी और टाइप के सिग्नल्स वो नहीं कर सकता तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द रेटिना ऑलवेज प्रोड्यूसेज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इट ऑलवेज प्रोड्यूसेज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करी तो हमें ऑब्जेक्ट वैसा है कैसा है वो सीधा के सीधा वैसे कैसे दिखता है दैट थिंग इज डन बाई द ब्रेन नाउ सी द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग वी हैव इज द ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व मैंने अभी आपको पता है क्या करता है जो सिग्नल्स आए उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा अब ये जो ब्रेन क्या करता है जो हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज है उसको फ्लिप करके एज इट इज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा हमें दिखाएगा तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक इमेज परसीव कर सकेंगे सो फ्रॉम द कोरोना टू द ऑप्टिक नर्व्स दीज आर द नाइन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द आई एंड द फंक्शंस डन बाय देम सो हाउ वी प्रोसेस द इमेज नाउ लेट मी सबमिट अप फॉर यू ऑल द नाइन पार्ट्स इन दिस इमेज नाउ दिस इज द एनलार्ज इमेज ऑफ आई अब मैंने आपको नौ पार्ट्स समझाए आपको शायद ये कॉम्प्लेक्स लगा होगा कि इतने सारे पार्ट्स हैं किसके क्या फंक्शन है और कौन पहले आता है ये कैसे समझ में आएगा बहुत सिंपल सी ट्रिक है नाउ सी हमारी जो लाइट है वो यहाँ से जाएगी जो भी चीज़ें होगी रेटिना पे आएगी और उसकी इमेज बनेगी और हमें दिखाई देगी नाउ लेट्स फॉलो द प्रोसेस एक प्रोसेस फॉलो करते हुए बहुत सिंपली आपको चीज़ याद आएगी वो क्या है ट्रिक कि बस जैसे जैसे आप लाइट को पास करोगे आपको ये याद करना है ये देखना है कि पहले आप कौन सी चीज़ को एनकाउंटर करते हो सी यहाँ पे लाइट जाएगी लाइट जाने के बाद इसने पहली चीज़ क्या देखी हमारी कॉर्निया कॉर्निया क्या करता था एक पतला से मेमरे जिसके थ्रू लाइट पास होती है मेजर रिफ्रैक्शन यहीं पर हो जाते फर्स्ट थिंग क्लियर अंदर जाते अब क्या आया ह्यूमर क्या होता था ट्रांसपेरेंट फूड और जेल नाइन्टी वाटर बस नेक्स्ट थिंग और अंदर जाते क्या आया हमारा आय प्यूपिल प्यूपिल क्या करता था लाइट कितनी अंदर भेजनी है और रेगुलेट करता था ज़्यादा तो ज़्यादा कम तो कम जितना भेजना है वो प्यूपल डिसाइड करेगा नेक्स्ट हमारा आइरिस आइरिस क्या करता था प्यूपिल को खुद को कंट्रोल करता था और अंदर जाते हैं क्या है हमारा विट्रियस ह्यूमर ये बड़ा सा लिक्विड फिल्ड थिंग क्या करता था ट्रांसपेरेंट फ्लूड दो चीज़ें करता है क्या एक्स एज अ शॉप एब्जॉर्बर सेकेंड थिंग हैज़ एंटी ऑक्सीडेंट्स विच प्रोटेक्ट द आई और आगे जाते हैं तो क्या आएगा हमारा रेटिना अभी अभी बताया था रेटिना इंपॉर्टेंट थिंग है क्यों स्क्रीन के जैसे एक्ट करता है स्क्रीन के जैसे एक्ट कैसे करता है छोटे छोटे एनोमस लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जब उन पर लाइट पड़ेगी एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में सिग्नल्स भेजेंगे लास्ट थिंग हमारी क्या आई ऑप्टिक नर्व्स क्या करती थी वो लाइट हमारे जो लाइट सिग्नल्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन के थ्रू भेजेंगे और ब्रेन क्या करेगा उस रियल और इन्वर्टेड इमेज को फ्लिप करके एज इट इज़ दिखाएगा सो फ्रॉम द कॉर्निया टू द ऑप्टिक नर्व्स दिस वॉज द आई Now let's move on to the next topic in the human eye.